साइक्लोन वार्निंग सेंटर की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि तूफान बाइपरजॉय कराची से 470 किलोमीटर दूरी पर है। तूफान के इर्द गिर्द 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जानेंगे अपनी नुमाइंदा फरवाली से। फरवा, बताइएगा डिटेल्स। हाँ जी बिल्कुल, तूफान बाइपरजॉय 14 जून को केटी बंदर से गुजरता हुआ 15 तारीख की शाम या दोपहर गुजरात के साहिली पट्टी से टकराएगा। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि उसके नतीजे में आज दोपहर से तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी, जबकि कल से जो है वो तेज़ बारिशों का इम्कान है, जो 17 तारीख तक शहर में बारिशें बरसाएगा। ये सिस्टम जो है वो तूफान के तहत ही शहर में दाखिल होगा, जिसके तहत शहर में जो है वो शदीद किस्म की तेज़ हवाएँ चलने का इम्कान है। अगर आज शाम की बात करें तो आज शाम जो है वो 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलेंगी। इस वक्त जो है वो 28 से 38 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से हवाएँ चल रही हैं, जो कि तूफान के ही असरात की वजह से है। शहर के मरकज में, जो कराची शहर की बात करें, वहाँ तेज़ हवाएं चलने से खासा नुकसान हो सकते हैं, इसलिए खस्ता हाल इमारतों के करीब से ना गुजरा जाए। इसके अलावा जो है वो जो कमज़ोर इमारतें हैं, बिलबोर्ड हैं, उनको भी हटाने का कमिश्नर कराची की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। जी।